हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसेज शो और ऑफ शो एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले आयुष काउंसलिंग डेट्स के बारे में, कब आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। काफ़ी सारी मेरी वीडियोस थी आयुष काउंसलिंग में, जिसपे नीचे एक ही कमेंट बार बार रिपीट हो रहा था स्टूडेंट से, वो ये था कि आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं BMS, BHMS, मैं बात करूँ BUMS या BSMS के, ठीक है, वो सभी वेट कर रहे हैं आयुष काउंसलिंग का या AACCC काउंसलिंग का, वो कब स्टार्ट हो सकती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी अपडेट्स होंगे नीट यूजी काउंसलिंग के, इसके अलावा BMS काउंसलिंग के, आयुष काउंसलिंग के, AACCC काउंसलिंग के, सारे अपडेट्स आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। काफी टाइम से हम काउंसलिंग करते आ रहे हैं, अराउंड हमें 4 से 5 साल हो गए यूट्यूब पे आयुष काउंसलिंग करते हुए, ठीक है। और इतना सब आपका प्यार मिला, बहुत ज्यादा आपका थैंक यू सो मच, ठीक है। और इस बार भी आप प्यार दें हमें, ठीक है। और प्यार देने का आपको क्या करना होगा, नीचे दिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जो भी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। और काफी बहुत हमारे यहाँ पे एडमिशन भी कराए हैं हमने, बहुत ज्यादा काउंसलिंग भी कराई है, और इस साल भी हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं आप सभी BMS, BHMS, BUMS, BSMS एस्पिरेंट्स की, ठीक है। तो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना, ठीक है। नीचे दिया हुआ नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पे हमारी टीम को कॉल करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वारी है, तो भी आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप हमारे पास यहाँ पे करा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो दिल्ली NCR के आसपास स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस नोएडा में है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ऑफिस जो लोकेशन है। और जो कुछ स्टूडेंट्स बैंगलोर से हैं, तो हमारे बैंगलोर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जो साउथ से हैं, इसके अलावा हमारे मुंबई ऑफिस भी है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न बन रहा है स्टूडेंट्स के बीच। तो मैं आपको बताऊं, देखो अभी सबसे पहले स्टार्ट होगी MCC काउंसलिंग। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ MCC काउंसलिंग क्या होती है और AACCC काउंसलिंग क्या होती है। तो जो MCC काउंसलिंग होती है वो होती है MBBS और BDS के लिए, जो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। और जो आयुष काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे, वो होती है AACCC पे, यानी कि ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल कमेटी है, तो वहां पे आपकी काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे MBBS की, जो कराती है MCC। तो MCC का अगर हम मान के चल रहे हैं, जो एक रिपोर्ट भी आई है जिसके हिसाब से पता चल रहा है कि 25 सितंबर के आसपास से आपकी MBBS BDS की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। और जब वो राउंड एक खत्म हो जाएगा, जिसको एक महीना लग जाता है, तो MCC का राउंड 1 खत्म होने के बाद आपकी आयुष काउंसलिंग की डेट आ सकती है। तो अगर हम मान के चलते हैं 25 सितंबर से अगर स्टार्ट हो भी जाती है, अगर हम इसको एक्सटेंड करके अक्टूबर तक भी ले जाते हैं, चलो 1 अक्टूबर से अगर आपकी स्टार्ट हो भी जाती है काउंसलिंग, तो आप मान के चलिए 1 नवंबर तक उसका राउंड 1 खत्म होगा। और जब भी MBBS BDS का फर्स्ट राउंड खत्म होता है, उसके बाद ही आपकी AACCC की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जो आयुष की काउंसलिंग होगी। तो आपकी आयुष की काउंसलिंग मान के चले नवंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है, अक्टूबर लास्ट वीक से लेके नवंबर फर्स्ट वीक तक के बीच में स्टार्ट हो सकती है। तो आयुष काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है नवंबर के फर्स्ट वीक के अराउंड से, ठीक है। और अब सबसे पहले उसमें स्टार्ट होगी AACCC काउंसलिंग, यानी कि सेंटर लेवल की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जब उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाके आपकी जो स्टेट की है, जो 85% कोटा की सीट्स होती है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो नवंबर का खत्म होते होते समझ लो आप नवंबर एंड तक नहीं जाके आपकी स्टेट काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। और दिसंबर से स्टार्ट होके फिर राउंड 2 की होगी AACCC की, फिर उसका 15 से 20 दिन लगा लो, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपकी यहाँ पे फेब मार्च तक आपकी काउंसलिंग चल सकती है। तो मान के चले आपकी नवंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होके मार्च तक एक्सटेंड हो सकती है, उसके बाद से आपकी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग की जो डेट है एक्सपेक्टेड, वो लगाई जा रही है। सबसे पहले हमें यही वेट करना होगा कि MCC की काउंसलिंग का स्केड्यूल क्या रहता है, उसके एक महीने बाद ही आपकी यहाँ पे काउंसलिंग है जो आयुष की, वो स्टार्ट होगी। तो ये वीडियो में इसमें बात कर ली, इसके अलावा मैं और वीडियोस लेके आऊंगा, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, हर स्टेट की कट ऑफ के बारे में, BMS BHMS की क्या रह सकती है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लास्ट ईयर भी हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, उनको अपडेट टाइम टू टाइम नहीं मिल पाया, उनको जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, तो वो काउंसलिंग में पार्ट लेने से भी रह गए, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, मिस मत करना काउंसलिंग अपडेट, जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, वीडियो डालकर टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी कोई काउंसलिंग का स्केड्यूल आएगा आपको चैनल पे, मैं अपडेट कर दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।